सबसे पहले मंच पर उपस्थित हमारे बहुजन महापुरुष कृपया अंबेडकर माननीय साहब कांतिराम जी, माँ फातिमा से सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, संत रैदास, कबीरदास, भगवान वाल्मीकि, बिरसा मुंडा, कंटे मामा भील, सभी के चरणों में नमन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे पिता तुल्य वरिष्ठ विजय सिंह जाटव बाबूजी, उनके साथ में आप ही के क्षेत्र के वरिष्ठ हमारे सलाहकार पीडी कौशिक जी, आप ही के क्षेत्र से रिटायर्ड, मुझे नाम तो नहीं पता लेकिन हमारे शिक्षक महोदय, हमारे कदम साहब, हमारे इंदौर के जिला अध्यक्ष संतोष चौहान जी, राव विधानसभा अध्यक्ष और आप ही क्षेत्र से प्रबुल हरियाली जी, रवि जी, और हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हैं, तालियां की कुर्सी यहाँ लगाओ, खता जिले के मुख्य प्रभारी। देखिए एक कार्यकर्ता वो होता है जो दरी बिछाने के लिए तैयार हो जाता है और मंच पर बैठने के लिए, इनके लिए तालियां बजाइए। नहीं तो अगर भाजपा कांग्रेस का व्यक्ति होता तो वो लड़ लेता, मुझे मंच पर देख लो। हमारे बीच में उपस्थित हमारे तहसील अध्यक्ष सुमन बड़वाल जी, मंडलोई जी, बाबलीवाल जी और तमाम साथियों का जिनका नाम नहीं पता, उनको एक बार फिर से सैल्यूट करता हूँ कि भाई आप इस अपने क्षेत्र के अंदर जो मनोवाजी लोग बने बैठे हैं उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये ताजे काबिल है। जब जब भी खातेगांव, कन्नौज, सतवास, नेमावर इस क्षेत्र से फोन आता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत घोर जातिवाद है, घोर अन्याय है और अत्याचार है। अब ये घोर अन्याय अत्याचार इसलिए कि हमारे समाज में 75 सालों से जो नेता बने हैं उन नेताओं ने समाज के लोगों को कभी भी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, हमेशा आपको गुलाम करने का काम किया और अपने आकाओं की चाटू पैदा करने का उन लोगों ने काम किया। अगर ये लोग इन 75 सालों के अंदर समाज के लिए कुछ भी करते तो आज भीम आर्मी के युवाओं को मैदान में आने की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं पर पास में गांव है कर्णावत, पता है ना कर्णावत, कर्णावत में कांड हुआ था शायद 6-7 साल या 10 साल हो गए इस कांड, पता है आप लोगों को, आप सब युवा नहीं जानते लेकिन बाबूजी को पता होगा, शायद पता होगा ना आपको। उस समय हमारे दलित समाज का एक व्यक्ति जो समाज के लिए काम करता था दबंग से रहता था और पुलिस में रहते हुए दवाई करता था, तो कर्णावत में उस व्यक्ति के घर को आग लगा दी, बच्चों तक को जिंदा जला दिया। सोचिए कितना बड़ा अन्याय। और पुलिस यहां की नकमी पुलिस चुपचाप बैठी है। आप सोच सकते हो कि भाई ये ताले बजाने का विषय नहीं, ये बहुत शर्म का विषय है कि जिस प्रकार से पुलिस सुरक्षा करनी चाहिए लेकिन पुलिस ने सुरक्षा नहीं की। कभी देखना यूट्यूब पर खोल कर कर्णावत का कांड, अगर आपकी आंखों में से आंसू ना आ जाए तो बता दूं चला रहे हो ना। लेकिन मैं बता दूं कि वो तो शुक्र है कि भीम आर्मी बाद में है, अगर भीम आर्मी उस समय होती
तो इस पूरी देवा से नाम लगा, लेकिन हमारे लोगों पर अन्याय होने नहीं था। साथियों भीम आर्मी की जरूरत इसीलिए है कि समाज में हो रहे अत्याचार, अन्याय, दुष्कर्म, उनके खिलाफ आवाज उठा। और आजाद समाज पार्टी की जरूरत इसलिए है कि जो भाजपा कांग्रेस में हमारे जो लोग गए हैं, जो समाज को ठगने बेचने का काम कर रहे हैं, उनको उनकी सही औकात बताने के लिए आजाद समाज पार्टी का निर्माण हुआ। तो देखिए आप कि इस पंचायत चुनाव में हमारे लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और लगभग 350 पर सरपंच बने भीम आर्मी दंके की चोट पर। हमारे जयस के भी बहुत सारे सरपंच बने। तो साथियों अब हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर सामाजिक न्याय यात्रा के तहत हम लोग रैली कर रहे, सभा कर रहे हैं। अब सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय छुआछूत से आता है। जब खाते गांव में सीओर का एक पंडित है, प्रतीक मिश्रा नाम सुना आपने, पंडित मिश्रा नाम का व्यक्ति संविधान बदलने की बात करता है, तो जब उसके खिलाफ हमारे कुछ साथियों ने टिप्पणी की तो उल्टा प्रतीक मिश्रा को जेल में डालने के बजाय हमारे साथियों को जेल में डाला गया। उनके साथ में इस प्रकार से अन्याय किया गया कि थाने के अंदर वहां का यहां का निगम्मा टीआई जिस दिन सरकार बनेगी उससे जूते बड़े सभा होंगे। ऐसे निगम में टीआई ने सिविल ड्रेस में गुंडों को बुलाकर थाने में मारपीट कर रही। गोकुल भाई पूरी टीम मौजूद थी यहां पर। जब हमें घटना मालूम पड़ी, तुम भी थे ना, संजय भी था शायद, वो उस घटना के जो पीड़ित थे वो कहीं कहीं आए। अच्छा तू रहा, अच्छा तू। तो देखिए हमारा भाई इतना एट्रोसिटी होने के बाद भी आज खड़ा है, और मंदसौर भी गया था, मंदसौर भी रावण भाई के काफिले में गया। तो ये भीम आदमी के शेर है, तुम जितना डराओगे हम उतने दबंग बनते जाएंगे, लेकिन पिछड़ रहने वाले नहीं। अब साथियों उस खाते गांव वाले मामले में पता है हमारे बाकलीवाल जी को और पूरी टीम को कि जब पुलिस सुनवाई नहीं कर रही थी तब हम लोगों ने प्रेशर बनवाया, और आप देखिए इनका मेडिकल तक नहीं हो रहा था। रात की 12 बजे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इनके लिए ट्वीट किया था। तो हम लोग क्यों समर्थन नहीं कर उस बंदे का? आज वो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। जब चंद्रशेखर आजाद जी और हमने ट्वीट किया, उसके बाद आप देखिए कि भाई एडीएम एसडीएम सब लोग तुरंत कार्रवाई करने में लग गए, इनको यहां तक कि देवा जिले में भर्ती भी करवाया। उस लड़ाई को हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आप देखना कि वो टीआई उस कांड में फंसेगा और उसकी नौकरी जाएगी और जेल के अंदर जाएगा, लेकिन हमारे जो साथी अगर टिके रहे तो साथियों हम लोगों को अन्याय के खिलाफ लड़ना है। अब आप देखेंगे नेमावर के अंदर, नेमावर के अंदर जिस प्रकार से हमारे आदिवासी परिवार, हमारी बहन के साथ भी सरकार से अन्याय अत्याचार किया गया, इस पर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी के नेता चुप रहे। जब हमारे भीम आर्मी के और जेएस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने आवाज उठाई तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे डालकर उनको जेल में डाला गया। लगातार हम लोग नेमावर के हमारे साथियों के साथ संपर्क में रहे और लगभग 20 दिन के संघर्ष के बाद में, 20 से 30 दिन के संघर्ष के बाद में इसे दुराचारियों को सजा मिली और अरेस्ट हो गए। इसके बाद में आपको पता है कि नेमावर में पीड़ित परिवार के न्याय के लिए बाबूजी जो हमारे 75 साल के युवा है वो भी उस न्याय की लड़ाई में हमारे काफिले में आए। तो आप सोचिए कि हमारा समाज आज अन्याय अत्याचार के खिलाफ कितना जागरूक हो गया कि भाई घटना नेमावर के अंदर हुई थी
लेकिन आवाज उठा हमारा दिल्ली से हमारा शहर यहां पर नेमावर में आ गया। तो आप ये सोचिए, आप डरो मत, आपको डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर कोई भी कांस्टेबल टीआई, यहां तक कि अगर एसपी भी अगर आपसे बदतमीजी से बात करे तो आपको उसको कदम पकड़कर थप्पड़ मारने का पूरा अधिकार है। और हम लोग हमारे मान सम्मान समझौता नहीं कर सकते। क्या ठीक है, आज यहां पर आपकी टीम ने पूरी तैयारी अच्छी की थी, लेकिन मैं जब से उज्जैन से निकला तब से ही बारिश हो रही है। बारिश ऐसी हो रही है कि ना तो बाढ़ आ रही है ना एक मतलब सूख रहा है थोड़ी सूख, लेकिन फिर भी आप लोग बारिश से भीगते हुए यहां पर आए। आप लोग जावा से आप लोग इसे डिमोनेटाइज ना हो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि भाई 1817 के लगभग 203 या 4 साल पहले इस देश के अंदर मनुस्मृति का दौर था और यहां पर पेशवाई शासन था। तो पेशवाई शासन में हमारे समाज के लोगों पर पेशवाओं ने एक कानून लेकर आए कि वे शूद्र जब भी अगर मार्केट में जाएंगे अपने घर से निकलेंगे हमेशा हमेशा के लिए तो उनके गले में हांडी और कमर में दाड़ होगी। वो मार्केट से निकलेंगे अगर उनको थूकना है तो वो हांडी में थूकेंगे, उनके पैरों के निशान वो झाड़ू से मिट जाएंगे। तो जब इस प्रकार का कानून हमारे भारत देश में सिर्फ हमारे लोगों पर लागू किया गया पेशवाओं द्वारा ब्राह्मणों द्वारा, तो इसका विरोध किया, बहुत मेहनत की, लेकिन पेशवा नहीं माने, क्योंकि उन्हें घमंड था कि हम तो राजा हैं। जिस प्रकार से आज मोदी को घमंड है, लेकिन मोदी घमंड, लेकिन मोदी का कोई घमंड अगर दूर कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ चंद्र राजा है। तो जब इस प्रकार से गले में हांडी और कमर में झाड़ू का कानून लाया गया, हमारे लोग अन्याय अत्याचार से पीड़ित हो गए, उनके अंदर घोर आक्रोश हुआ, तो हमारे समाज के लोगों ने ठाना कि अब इस कानून के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। और लड़ने के लिए अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो गए और मुंबई में सेना में ट्रेनिंग लेकर 500 लोग आए। फिर कहा कि इस कानून को आप वापिस ले लो नहीं तो हम आपके खिलाफ इनको छेड़ देंगे। तो नहीं माने, फिर भी ये 500 लोग क्या करेंगे। अंग्रेजों से बात करके अंग्रेजों की सेना के साथ में उन्होंने युद्ध का आक्रमण छेड़ा, मुंबई से चलकर आए पुणे के अंदर भीमा कोरेगांव नदी, नाम सुना भीमा कोरेगांव नदी का? अच्छा, कितने लोगों ने वो नदी को देखा है? गए आपको भीमा कोरेगांव जाना गलत। तो जब भीमा कोरेगांव आए फिर बोला हमने कि हम अंग्रेजों के सेना के साथ में आए हैं, हम नहीं चाहते कि हम अंग्रेजों के साथ लड़े, हम चाहते हैं कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, यहाँ के लोग हैं, हम आपके आपके साथ थे। तो फिर भी पेशवाओं को घमंड था कि भाई ये 500 है और 2-3 हजार इनकी सेना है, ये लोग क्या करें। जब युद्ध का आगाज हुआ तो रणभूमि के अंदर अंग्रेज 28,000 पेशवाओं की पलटन देकर भाग गए कि भाई ये तो 28,000 है और हम तो 4-5 हजार लोग हैं, तो बड़ी विडंबना होगी। अब पेशवा 28,000 और अंग्रेज सारे होते, अब बचे कितने लोग? 500 महार बचे। अब वो बताइए मुझे कि भाई वो पूरी ट्रेनिंग करके आए थे, संकल्प लिया था उनने कि या तो हम लोग जिएंगे शान से नहीं तो मरेंगे शान से। साथियों, युद्ध का आगाज हुआ 31 दिसंबर 1817 के दिन और पूरे दिन संघर्ष हुआ, पूरी रात संघर्ष चला। जिस नदी में पानी बहता था वो नदी खून की बह गई और सुबह होते होते हम 28,000 पेशवा की मोटी मोटी कटी 500 लोग।
ये कहानी बताने का मुख्य उद्देश्य आपको ये है कि कहानी नहीं हमारा इतिहास। बाबा साहब भी कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी भी इतिहास नहीं बना सकते। साथियों, हम लोग ऐसे गौरवशी समाज के अंदर पैदा हो गए हैं कि आज भी आप देखोगे सबसे पहले अगर दया आती है तो दलितों पर, और सबसे पहले अगर गुस्सा भी आता है तो दलितों पर, आदिवासियों पर। आज मध्य प्रदेश के अंदर जब ये नीला वंशधारी और पीला वंशधारी दोनों साथ लड़ रहे हैं तो हमारा मुख्यमंत्री क्या कहता है कि भाई ये तो आतंकवादी है, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या कहते हैं आतंकवादी है। लेकिन जब जब भी बोलेंगे नीला वंशधारी और पीला वंशधारी आतंकवादी, लेकिन जब जब भी हमारे महापुरुषों की जयंती आती है, अंबेडकर जयंती आती हो या फिर टाटे मामा भील जयंती आती है, तब यही कंस मामा अपने गले में नीला और पीला वंश डाल लेता है। उन्हें पता है कि अब मध्य प्रदेश के अंदर क्रांति वक्त का आगाज हो चुका है और मध्य प्रदेश का SC ST और OBC और मुसलमान एक साथ एक मंच पर आकर लड़ाई लड़ रहे हैं। यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान भीम आर्मी को सभा करने की अनुमति नहीं देता। यही कारण है कि जब 2 जनवरी 2022 को भोपाल के अंदर हमने आरक्षण बचाओ आंदोलन का आगाज किया कि भाई ओबीसी के बगैर हम चुनाव होने नहीं देंगे। अच्छा, कितने लोग आए भोपाल उस आंदोलन में? उस आंदोलन को फेल करने के लिए शिवराज सिंह चौहान एंड कंपनी छुट्टी लेकर भगदड़ काम को शिरडी साई और अपनी पुलिस को कह दिया कि चंद्रशेखर को एयरपोर्ट से कर। लेकिन हमने ठान लिया था कि चंद्रशेखर को नहीं आने तो हम एयरपोर्ट के भी फरगच्चे उड़ा देंगे। आप देखा पुलिस को उठाना कर अपने साइड फेंका और एयरपोर्ट के अंदर घुस गए। साथियों, ये लड़ाई बड़ी मजबूत से लड़ना पड़ेगी। इस लड़ाई के अंदर आप लोगों की जान भी जाएगी, आप लोगों को अपमानित भी होना पड़ेगा, आप लोगों को लाठियां भी खानी पड़ेगी, आप लोगों को संघर्ष भी करना पड़ेगा, आप लोगों को बारिश में गीला होना पड़ेगा और कड़कड़ा की धूप में आपको धूप भी खानी पड़ेगी। लेकिन इन सब संघर्ष के बाद में जो आपकी पीढ़ी होगी ना, वो पीढ़ी राज करेगी, वो यहां से विधायक सांसद बनेगी, वो यहां से सरपंच बनेगी। अगर आज आपने ये लाठी गोली नहीं खाई, अगर आपने आज मरना नहीं सीखा, अगर आपने आज संघर्ष नहीं किया आपने, तो ये लिख के रख लो कि आने वाली पीढ़ी गले में हांडे और कमर में झाड़ू पहनने वाली गुलाम गुलाम पीढ़ी हमारे पिता होगी। अब फिर आपको करना है कि इस लड़ाई को लड़ना है छोड़ना है। भाई मैं तो पूरा तैयार कर चुका हूं, लड़ना है पीछे। मैं तो एक पुलिस कांस्टेबल आ जाए यहां ब्लड लेके भगो रहे जावे क्या? आपको हौसला देखकर लगता है कि कन्नौज के सीआई को भी आप बता दो। साथियों, आप लोग तैयारी करें, आज संकल्प दिवस है और आज संकल्प लीजिए आज मेरे साथ कि आप जिस गांव के अंदर रह रहे हैं, आप अपने आने वाले समय में हर गांव को तैयारी करेंगे और जब अगली बार यहां पर सामाजिक न्याय यात्रा की सभा हो तब ये पूरा का पूरा मंडी का प्रांगण होना चाहिए। तब जाकर मैं समझूंगा कि भाई आप लोग असली से लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां से बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, कौशिक साहब का मैसेज आया कि आप हमारे क्षेत्र में सक्रिय होइए, काम कराइए। तो जो जो भी साथी अपना घर बार छोड़कर, मतलब घर बार छोड़ना नहीं, लेकिन घर बार में से कुछ समय निकालकर क्षेत्र में काम करना चाहता है, वो हमारे पीढ़ी कौशिक जी को आप बताइए। क्योंकि साथियों, बड़े बड़े संत महापुरुष कहते रहे कि जिस समाज के अंदर बलिदानी पुरुष संत पैदा नहीं होते
वो समाज गुलामी की ओर जाने लग जाता। अब बताओ ये बात कैसे? हमारे विजय सिंह बाबू जी आज तक भिंड छोड़कर सिर्फ इसीलिए आए कि मालवा के गुलामों को उन्होंने गुलामी का पाठ पढ़ाया और रविदास धर्म में यहाँ पर आजाद के इंदौर के अंदर जिससे पहली बार बाबू जी ने रविदास जयंती मनाने का काम किया। आप देख सकते हैं कि आज उसकी वजह से वहां पर रविदास द्वार बना हुआ मेन मार्केट में, और हमारे विजयनगर में अरबों की जमीन है जो बाबू जी ने गिर रखी है और वहां पर रविदास धाम बनाया। तो साथियों आपको जब हमारे साथ में 15 साल का बच्चा और 75 साल के हमारे युवा बाबू जी ऐसे लोग हैं तो बिल्कुल पीछे नहीं है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके मोलबा गांव में 15 वर्षीय बच्चे के साथ में मोलबा गांव के अंदर रेप हुआ, उसकी FIR 354 में लिखी। सही बोल रहा हूं मैं? कितने लोग बताए? 354 में FIR लिखी। जब पिछला दुष्कर्म हुआ जब मैंने बात करी SP से तो बोले कि लड़की ने स्टेटमेंट नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरे पास लड़की की वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसने ये वो बोल रही है मेरे साथ दुष्कर्म हुआ। तो आप सोचिए कि उनके समाज का व्यक्ति आपकी बहन बेटी के साथ में दुष्कर्म करता है तब भी 376 की FIR की धारा में FIR नहीं होती है, और आपका व्यक्ति सिर्फ एक फेसबुक पर एक पोस्ट कर देता है तो आपके व्यक्ति को जेल में डाल दिया। तो क्या आप आजाद है गुलाम? आप लोग गुलाम। लेकिन हमने भी उन गुलाम अधिकारी बता दिया कि इस समाज को की लड़ाई लड़ने के लिए, इन गुलामों को गुलामी का पाठ पढ़ाने के लिए भीम आर्मी के सिर पैदा हो चुके हैं, और ये भीम आर्मी के सिर अपनी बहन बेटी के साथ में अगर रेप होता है, दुष्कर्म होता है, अन्याय अत्याचार होता है तो किसी की गर्दन काट भी सकते हैं। तो आप लोग तैयारी कीजिए। इसी प्रकार दूसरी घटना है, एक समाज दलित समाज के व्यक्ति को पुरौनी गांव के अंदर मारा गया, उसकी FIR लिखी गई। पुरौनी के अंदर उस व्यक्ति को मारा गया, जब उसने भीम आर्मी के लोगों से संपर्क किया तब कहीं जाकर उसको न्याय मिला। अब साहब के बाबू जी ने जो बात कही कि हमें पाखंडवा से दूर रहना है, तो आप लोग दूर रहे, क्योंकि अगर हम लोग पाखंडवा से दूर नहीं हुए तो आपके घर आपकी जमीन सब बिक जाएगी। भाई जिस समाज को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, जिस समाज को ध्यान रखने का अधिकार नहीं था, जिस समाज को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, अगर वो समाज आज अगर नुक्ता प्रथा के अंदर शादियों के अंदर लाखों लाखों रुपए खर्च करेगा, वो शिक्षा में उनके बच्चों को किताब तक नहीं मुहैया करवाएगा, तो बताइए कि हम लोग आजादी के बजाय गुलामी को जा रहे हैं? अगर बाबा साहब कृपया अम्बेडकर नहीं पढ़ते, शिक्षा ग्रहण नहीं करते, तो शायद ही आज हम लोग यहाँ पर मंच पर बैठकर बोल रहे होते, हम लोग आज भी गुलाम होते। तो गुलाम को, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का सबसे बड़ा मुख्य हथियार है शिक्षा। तो आप लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, वहां के टीचरों के कान खींचिए, अगर वो अच्छे नहीं पढ़ाते तो हमें बताइए कि सर यहाँ का टीचर स्कूल नहीं आता है, यहाँ का टीचर इस प्रकार से, आप निरीक्षण कीजिए। भीम आर्मी आप बकायदा कलेक्टर से, कलेक्टर का आवेदन लेकर बोलिए, SP का आवेदन लेकर बोलिए कि हम आज इन 10 स्कूलों के निरीक्षण करेंगे, वहां पर हम जाएंगे कि भाई वहां पर इस व्यवस्था क्या है, क्योंकि सरकारी संपत्ति किसी कलेक्टर के बाप की नहीं होती, वो आपके बाप की होती है, इसके बाप की होती है, जनता के बाप की होती है। तो आप लोग इस प्रकार से अपनी आवाज उठाइए, बहुत सारे घोटाले होंगे PM आवास के अंदर, उसकी आवाज उठाइए, हमारे बहुत सारे बुजुर्गों की वृद्धा पेंशन बंद हो गई होगी उनकी आवाज उठाइए, हमारे लोगों का आप देखेंगे कि भाई बहुत सारे लोगों का बिजली का बिल ज्यादा आ रहा होगा तो उसकी आवाज उठाइए। अब हमें सामाजिक लड़ाई के साथ साथ